हाँ तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम को समझाऊंगा और उसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन एक्चुअली है क्या, मतलब किसका संयोजन? तो संयोजन होगा आपका प्रतिरोधों का। प्रतिरोध का साइन कैसा होता है? प्रतिरोध को ऐसे निरूपित करते हैं, एक ऐसे लाइन होगा, एक जिगजैग लाइन होगा, फिर एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये एक प्रतिरोध को निरूपित करता है। तो मैंने इसी तरह तीन प्रतिरोध ले लिया, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। अब प्रतिरोध होता क्या बेसिकली? तो प्रतिरोध क्या था कि जैसे मेरा एक तार होता था, तार में जब करंट फ्लो होता था तो उसी को रोकता था आपका प्रतिरोध, है ना, मैंने पिछले क्लासेज में बताया था, कोई डाउट है तो जाके देख लीजिएगा। तो प्रतिरोध किस में है? तार में ही है। तो ये प्रतिरोध क्या होगा? एक तार का ही प्रतिरोध होगा, मतलब कोई तार होगा उसके प्रतिरोध को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए ये एक तार होगा, ये एक तार होगा और ये एक तार होगा, मतलब तार का टुकड़ा होगा, वही सबको जोड़ रहे हैं तो हम प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। तार जोड़ते हैं ना घर में, एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हैं, तो समझ लीजिए आप प्रतिरोध को ही जोड़ रहे हैं, अगर प्रतिरोध के बारे में सोचिएगा तो। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जैसे तीन प्रतिरोध हैं, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसे जोड़ के दिखाते हैं हम, ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और ये दूसरे का पहला है, तो ये दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए, फिर दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, कुछ नहीं है बस सिंपल, सबको एक लाइन में जोड़ते जाइए, एक श्रेणी में जोड़ते जाइए, श्रेणी मतलब वही होता है ना, एक लाइन में जोड़ते जाइए। तो एक लाइन में जोड़ते जाइएगा तो वो हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया, तो आगे हम आते हैं इसके डेरिवेशन। अब डेरिवेशन किसका करेंगे? तो डेरिवेशन करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो तुल्य प्रतिरोध बोलने का मतलब है, आइए हम यहां से समझते हैं। जैसे डायग्राम में देखिए, जो तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए हैं, है ना। अब तुल्य प्रतिरोध बोलने का मतलब है कि अगर इन तीनों के जगह हम एक प्रतिरोध से इसको रिप्लेस कर पाए, जैसे कि यहां देखिए, इन तीनों के जगह हम एक प्रतिरोध लगा दिए, तो इसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, है ना, इसको बोलेंगे हम तुल्य प्रतिरोध। मतलब इन तीनों के बदले अगर हम एक प्रतिरोध यूज करें तो वो होगा तुल्य प्रतिरोध। ऐसे अगर चार होता तो चारों के जगह अगर हम एक प्रतिरोध कुछ लिख पाए उसके बदले, तो उसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। अब डाउट ये है कि ये तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, मीन्स इसका जो डेरिवेशन होता है वो तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो आर इक्विवेलेंट है, यही निकालने के लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध है जो हम श्रेणी क्रम में संयोजित किए थे, सबको हम एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं। देखिए वोल्टेज सोर्स से बैटरी है, यहां से जोड़ दिए प्लस माइनस वी। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये करंट फ्लो हो रहा है आई। अब यही करंट तार में ऐसे फ्लो होगा ऐसे, और यही करंट फिर लौट जाएगा, मतलब एक ही करंट तीनों से फ्लो हो रहा है, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी सेम करंट I फ्लो हो रहा है। तो हम ओम का नियम से जानते हैं जो मेरा I होता था वो होता था V बाई R। अब यहां से अगर V को लिखना चाहें तो R को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, I और R मल्टीप्लाई होकर V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिए कि जो वोल्टेज होता है वो करेंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अगर करंट और रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसका प्रयोग क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R1 है, तो मानते हैं कि इसमें जो वोल्टेज होगा, अब जैसे ये तार है, तार का टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, तो उसमें कुछ वोल्टेज तो होगा ना, जो विभवांतर, मतलब उसके सिरों के बीच में कुछ विभवांतर तो होगा ना, तो वही विभवांतर को हम V1 लिखे हैं, यहाँ देखिए V1। वैसे ही जो R2 है उसका हम V2 लिखे हैं, और जो R3 है उसके सिरों के बीच विभवांतर को V3 लिखे हैं। तो जो इसका विभवांतर होगा, तो विभवांतर ओम का नियम से हमको क्या पता है, जो विभवांतर है वो I और R का समेशन है,
तो इसमें देखिए करंट कितना जा रहा है, आई ही जा रहा है ना, सबके अक्रॉस तो वही जा रहा है, तो आई है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर वन है, तो हम इसीलिए वी वन को लिख सकते हैं आई इंटू आर वन, आई इंटू आर वन वी वन, वैसे वी टू आई इंटू आर टू, क्योंकि करंट तो सेम ही है, आई ही है, वैसे वी थ्री को आई इंटू आर थ्री लिख दिए, तो वी वन को आई आर वन, वी टू को आई आर टू, और वी थ्री को आई आर थ्री, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे जोड़ते हैं, एक ऐसे परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ, तो ये जो वोल्टेज है, जो मेन वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं, ये जो विभवांतर अप्लाई किए हैं, ये इन तीनों का समेशन होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इसलिए हम क्या लिखे वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब हम वी वन का वैल्यू निकाल चुके हैं, वी टू का वैल्यू निकाल चुके हैं, और वी थ्री का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, ओम का नियम का यूज करके। अब हम वी कहां से लिखें, तो वी लिखने के लिए हम इसका तुल्य प्रतिरोध का डायग्राम देखते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या था कि इन तीनों के एवज में एक प्रतिरोध, यही तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इन तीनों के एवज में एक प्रतिरोध हम लिख दिए आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बाकी सेम का सेम है, देखिए वोल्टेज वोल्टेज है, करंट करंट है, सेम जा रहा है। तो इसमें आप ओम लॉ लगाइए, ओम का नियम लगाइए, तो ओम का नियम क्या बोलता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां जो V होगा वो I इंटू आर कितना है, R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट, तो यही V है आ गया मेरा, तो V को यहां रिप्लेस कर देते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 को हम यहां से उठा के यहां लिख देते हैं, V2 को यहां से उठा के यहां लिख देते हैं, V3 को हम यहां से उठा के यहां लिख देते हैं, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, अब कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। I इंटू आर इक्विवेलेंट इधर बचा, अब तीनों में देखिए I सेम है, ठीक है, तो I को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचा R1, इसका R2 और इसका R3, अब जो ये आई था दोनों कट गया, तो फाइनली हमको क्या मिला, जो तुल्य प्रतिरोध मिला वो तीनों का समेशन मिला, मींस R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस थे, इसीलिए हम तीन को ऐड किए हैं, अगर चार होते तो प्लस R4 जाता, पांच होता तो प्लस R5 जाता, मतलब जितना होता वैसे चलते जाता चलते जाता चलते जाता, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज का, मतलब सभी प्रतिरोधों का सिंपल समेशन होता है, ठीक है। तो आगे मैं पार्श्वक्रम बताऊंगा।